नमस्कार दोस्तों, मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एसजे ट्रेडर्स में। दोस्तों, मैंने कल बैंक निफ्टी के बारे में बोला था कि कल जो कैंडल बनी है वन डे की, वो बुलिश कैंडल है, वो हैमल कैंडल है। और मैंने आपको ये भी बोला था कि आज बैंक निफ्टी गैप और ओपन हो सकता है। और आज बैंक निफ्टी ने ओपनिंग दिया 38,280 के पास, और मैंने आपको लेवल दिए थे बाई करने के लिए 38,150 के ऊपर जाता है तो आप बाई कर सकते हो। उसका पहला टारगेट आ सकता था आज 38,600 और दूसरा टारगेट मैंने दिया था 38,850। आप आज चेक कर सकते हो तो उसने मेरा पहला टारगेट अचीव कर लिया। कौन सा टारगेट था वो हमारा 38,600, क्योंकि उसने आज हाई मारा 38,648 उसने हाई मारा फ्रेंड्स। अगर कल देखा जाए तो कल के लिए मैं आपको थ्रेड देता हूँ, अगर आज के हाई को ब्रेक करता है 38,650 तो उसका पहला टारगेट वही आएगा 38,850, और उसके बाद का लेवल फ्रेंड्स आएगा उसका 39,000। और ये जो ऊपर से ट्रेंड लाइन जा रहा है उस ट्रेंड लाइन पे जाने की पूरी पूरी कोशिश करेगा, इस ट्रेंड लाइन के पास जाने की कोशिश करेगा फ्रेंड्स। और डाउन की साइड में हम देखते हैं 50 मिनट के चार्ट में तो बैंक निफ्टी क्या कर सकता है। अगर डाउन की साइड में आपको तभी बैठना है जब वो इस लेवल को ब्रेक करता है, कौन सा रहेगा हमारा 38,500 है। अगर करिए 38,500 के नीचे जाता है और 38,480 के नीचे निकलता है तो उसका पहला टारगेट नीचे आ सकता है 38,370 और दूसरा टारगेट नीचे आ सकता है उसका 38,200। ये लेवल आपको याद रखना पड़ेगा फ्रेंड्स, कल ट्रेडिंग करना चाहते हो तो। हमारा फ्लैट लेवल कौन सा रहेगा, ये हमारा रहेगा कल फ्लैट लेवल यानी 38,500 से लेके 38,600। ओके दोस्तों फ्रेंड्स, किसी को भी अगर अपना न्यू डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दी है, उससे आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हो। आइए अब देखते हैं निफ्टी ने क्या किया। फ्रेंड्स, मैंने कल निफ्टी का लेवल दिया था 37,300 के ऊपर निकलती है तो उसका पहला टारगेट हमने दिया था 70,400। और आज ओपनिंग में आज गैप ओपन हुआ और गैप ओपन कितना हुआ 70,370, और उसने हाई मारा आज का 70,477। आप यहाँ पर चेक कर सकते हो तो मैंने जो पहला टारगेट दिया था वो फ्रेंड्स अचीव कर लिया। अब कल क्या हो सकता है, कल अगर निफ्टी ने आज के हाई को ब्रेक किया 70,477 या फिर 70,500 के ऊपर निकला तो उसका पहला टारगेट आएगा ये 70,550 आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी जा रही है। हो सकता है यहाँ पे ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस उसको मिले और वहाँ से फिर से वापस नीचे घूम जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर 15-20 मिनट टिक जाए तो उसका नेक्स्ट टारगेट भी अच्छा आ सकता है, और टारगेट रहेगा 70,620। कौन सा रहेगा हमारा टारगेट 70,620, और उसके बाद निकलता है तो उसका टारगेट सीधा आएगा 70,700। और नीचे की साइड में देख लेते हैं, नीचे की साइड में क्या हो सकता है। कल डाउन की साइड में अगर 70,400 के नीचे जाता है और इस लेवल को ब्रेक करता है, कौन सा लेवल रहेगा हमारा 70,300 के नीचे जाएगा तो उसका पहला टारगेट आएगा या जो गैप फिल करने के नीचे आ सकता है, और उसका वो टारगेट आ सकता है 70,300 यानी 80 पॉइंट आपको सीधा डाउन की साइड में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं एजुकेशन प्रपोज से ही बनाता हूँ, आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप अपने फाइनेंस एडवाइजर की सलाह मशवरा ज़रूर लें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।